नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद सर। सर, वो सौत्या के एक पंटर को उठाया है, आप प्लीज एक बार उससे पूछताछ कर लीजिए। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राकेश मारिया और उनकी टीम काफी समय से डी कंपनी के गैंगस्टर सुनील सावंत और सौत्या के पीछे पड़े हुए थे। और अभी कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर दिनेश कदम को उसके करीबी गुर्गे के बारे में जानकारी मिली थी। इस जानकारी के अनुसार इस गुर्गे ने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया था, पैसा जिसे उड़ाने वो हर रात चेंबूर की एक डांस बार में आया करता था। इसी जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर कदम ने सौत्या के इस पंटर को उठा लिया था और अब वो रंगीन डांस बार की जगह क्राइम ब्रांच के ब्लैक एंड व्हाइट लॉकअप में बैठा हुआ था। सौत्या के सुपारी धंधे को ले डीसीपी मारिया के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। उसके शार्प शूटर्स कौन है, उसके लिए फंड्स कौन हैंडल करता है, कौन सुपारी उठाता है इत्यादि। अभी डीसीपी मारिया इन सवालों के बारे में सोच ही रहे थे कि इंस्पेक्टर कदम उस पंटर के साथ उनके ऑफिस में प्रवेश करते हैं। बहुत पैसा कमाया है क्या? कॉन्ट्रैक्ट लेते हो या देते हो? चलो जल्दी बताओ, पैसा कैसे बनाते हो? डीसीपी मारिया इस पंटर से पूछते हैं तो वो अपने दोनों हाथ जोड़ कांपती हुई आवाज में उत्तर देता है। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मां कसम। जैसे इस पंटर के मुंह से शब्द निकलते हैं, उसके पीछे खड़े इंस्पेक्टर कदम उसकी गुद्दी पर एक जोर का तमाचा जड़ देते हैं। सर साला खोटा बोल, तो मर्सिडीज आया रामीची? तो मर्सिडीज में घूमते हो, फिर तो तुम पक्का अंडरवर्ल्ड के साथ सुपारी धंधे में शामिल हो। देखो सब कुछ सच सच बता दो, पता तो हम वैसे भी लगा ही लेंगे, लेकिन फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, सड़ते रहना फिर जिंदगी भर जेल में। अपनी ये बात खत्म करते ही डीसीपी मारिया अपनी मेज पर पड़े कुछ कागजों के ऊपर साइन करने में लग जाते हैं। नहीं साहब, मैं कोई सुपारी उपारी नहीं लेता, मैं तो वो मैच फिक्सिंग से पैसा बनाता हूँ। इस पंटर के मुंह से सुनते ही राकेश मारिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैच फिक्सिंग? अपने जीवन में आज पहली बार वो ये शब्द सुन रहे थे। क्या वो क्या होता है? तुम्हारा मतलब मैच मेकिंग तो नहीं? अरे लड़कियों का धंधा करते हो क्या? साहब माँ कसम, मैं ना ही लड़कियों का धंधा करता हूँ और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर या मर्डरर हूँ। मैं तो अनीस इब्राहिम और सौत्या के लिए क्रिकेट के मैच फिक्स करता हूँ। इधर इस पंटर की ये बात खत्म होती है और उधर राकेश मारिया के हाथों से उनका पेन छूटकर नीचे गिर जाता है और अवाक चेहरे के साथ बिना कुछ बोले वो इंस्पेक्टर कदम को घूरने लगते हैं। ये क्या बकवास कर रहा है कदम? क्रिकेट खेलने और देखने के बहुत ज्यादा शौकीन डीसीपी मारिया को अंडरवर्ल्ड के इस पंटर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, या फिर यूं कहें कि वो विश्वास करना ही नहीं चाहते थे। वो सारे चौके छक्के जिन पर मैं अपनी कुर्सी से उछलने लगता हूँ, वो सारी डक्स वाइट बॉल्स और नौ बॉल्स जिन पर मैं अपने खिलाड़ियों को गालियां बकता हूँ, वो सारे लास्ट ओवर वाले थ्रिलर मैचेस जिन्हें देख मेरे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, क्या वो सब एक झूठ है, एक छलावा है? क्या मेरी क्रिकेट टीम के हीरो हीरो नहीं फ्रॉड हैं? देश के तिरंगे को अपनी छाती पर लगाने वाले खिलाड़ी कहीं करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? सर, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। अभी डीसीपी मारिया एक सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे थे कि तभी सौत्या का पंटर उन्हें दूसरा झटका दे डालता है। साहब कल सवेरे इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, मैं आपको कल ही दिखा सकता हूँ कि फिक्सिंग कैसे होता है।
न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 27 दिसंबर 1894 के दिन क्राइस्ट चर्च में की गई थी और इसके 100 साल पूरा होने के अवसर पर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ओडीआई टूर्नामेंट खेल रहा था। उधर नेपियर में इंडिया और न्यूजीलैंड का यह मैच शुरू होने में केवल कुछ ही घंटे रह गए थे और इधर मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बैठा अंडरवर्ल्ड का एक पंटर इस मैच के फिक्स होने का दावा कर रहा था। ठीक है, तुम मेरे फोन से अपना काम चालू करो, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। नहीं साहब, वो आउटर मुंबई में एक पीसीओ बूथ है, मैं बस वहीं से कॉल कर सकता हूँ और वापस रिप्लाई भी उसी फोन पर आता है। किसी और नंबर से कॉल किया तो उन लोग को शक हो जाएगा साहब। साहब, मैं उस पीसीओ से प्लेयर्स को कॉल करूंगा, आप वहीं मेरे साथ खड़े रहकर सब सुनते रहना। कोई और रास्ता ना देख डीसीपी मारिया, इंस्पेक्टर दिनेश कदम और उनकी टीम को इस फिक्सर के साथ उस पीसीओ पर जा फिक्सिंग का पूरा प्रोसेस अच्छे से ऑब्जर्व करने को कहते हैं और खुद मैच शुरू होने के इंतजार में अपने टीवी के सामने बैठ जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि उस फिक्सर का ये दावा बस किसी तरह झूठ साबित हो जाए। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच ये ओडीआई मैच 16 फरवरी 1995 की सुबह नेपियर के मैकलीन ग्राउंड पर खेला जाना था। भारतीय समय के अनुसार इस मैच को सुबह के लगभग 4 बजे शुरू होना था और उससे कोई आधे घंटे पहले डीसीपी मारिया के पास इंस्पेक्टर कदम की कॉल आती है। सर, उन लोगों ने डिसाइड किया है कि इंडिया ये मैच हार जाएगा। अपनी आवाज में एक उदासी लिए इंस्पेक्टर कदम ये कहते हैं और इधर हताश हो रहे डीसीपी मारिया अपना फोन नीचे रख देते हैं। मैच शुरू हो जाता है और न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय करता है। भारतीय पारी का आगाज करने अजय जडेजा और सचिन तेंदुलकर पिच पर उतरते हैं। 5 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 20 रन पर पहुंच चुका था कि तभी न्यूजीलैंड के कैप्टन केन रदरफोर्ड अपने लेफ्ट आर्म पेसर मर्फी सुआ के हाथ में बॉल थमाते हैं। बैकफुट पर डिफेंस करने के बाद तेंदुलकर सिंगल लेने के लिए तेजी से दौड़ते हैं और बड़े ही आराम से क्रीज के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर अजय जडेजा मूविंग पोजीशन में होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाते और 21 गेंदों में मात्र 7 रन बना पवेलियन वापस लौट जाते हैं। मैच से पहले कमेंटेटर्स जिस भारतीय टीम को फेवरेट करार दे रहे थे वो 45.5 ओवर्स में मात्र 160 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। इस अत्यंत कमजोर लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम केवल 32 ओवर्स में 6 विकेट्स खोकर इस टूर्नामेंट का एक दूसरा मैच कुछ ज्यादा ही आराम से जीत जाती है। उधर हजारों मील दूर अपने ऑफिस में मैच लाइव देख रहे डीसीपी मारिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बुझे हुए दिल के साथ टीवी ऑफ कर इंस्पेक्टर कदम को अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं और फिर इंस्पेक्टर कदम उनको मैच फिक्सिंग का ये पूरा प्रोसेस विस्तार से समझाते हैं। पहले से निर्धारित समय पर सौत्या के फिक्सर ने इंडियन टीम के एक वरिष्ठ खिलाड़ी को फोन किया था जो अपने साथ साथ दो और खिलाड़ियों के लिए जिम्मेदार था। भारतीय टीम के तीनों खिलाड़ी दाऊद गैंग के लिए तो फिक्सिंग कर ही रहे थे, लेकिन और ज्यादा कमाई करने के लिए अपने खुद के पैसों से भी बैट से लगाया करते थे। इंडियन टीम के सपोर्ट स्टाफ के एक सीनियर मेंबर को बैगमैन का जिम्मा सौंपा गया था, मतलब फिक्सर से पैसे कलेक्ट कर इन खिलाड़ियों तक उनके हिस्से पहुंचाना इसी आदमी की जिम्मेदारी थी। क्योंकि इन तीनों खिलाड़ियों को मैच का नतीजा पहले से ही पता होता था, इसलिए फिक्सिंग के साथ साथ ये बैटिंग से भी एक मोटी कमाई कर रहे थे। 16 फरवरी 1995 के दिन हुए इंडिया न्यूजीलैंड के इस मैच से मात्र कुछ ही घंटों में बुकीज ने 43 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, एक रकम जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आज वर्तमान में 245 करोड़ रुपए बनती है। इंस्पेक्टर कदम से सारी बातें सुन डीसीपी राकेश मारिया का दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका था। क्रिकेट से बेइंतहा प्यार करने वाले इस भारतीय नागरिक को अब इस खेल से घृणा सी होनी शुरू हो गई थी।
डीसीपी मारिया बहुत बुरी तरह टूट चुके थे। एक क्रिकेटर के तौर पर तो उन्हें दुख हो ही रहा था, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर वो और भी ज्यादा आहत हुए थे। क्राइम ब्रांच का डीसीपी होने के नाते उन्हें जो जिम्मेदारियां मिली हुई थी उनमें अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसने के साथ साथ आतंकवाद पर नजर बनाए रखना भी शामिल था। अंडरवर्ल्ड और सीमा पार से स्पॉन्सर होने वाले आतंकवाद के कनेक्शन को डीसीपी मारिया से बेहतर शायद कोई ही समझता हो, और यही कारण था कि मैच फिक्सिंग के इस खुलासे से उनका मन बहुत ज्यादा आहत हुआ था। वो जानते थे कि इंडिया न्यूजीलैंड के इस फिक्स्ड मैच से कमाए गए करोड़ों रुपए का एक मोटा हिस्सा दाऊद से होता हुआ पाकिस्तान की आईएसआई तक जरूर पहुंचेगा, और फिर इसी पैसे का इस्तेमाल कर आईएसआई भारत के अंदर आतंकी घटनाओं को अंजाम देगी। मतलब ये कि भारतीय क्रिकेट टीम के तीन खिलाड़ी प्रत्यक्ष रूप से आईएसआई के लिए पैसा कमाने का काम कर रहे थे, पैसा जिसका इस्तेमाल उन्हीं भारतीयों का खून बहाने के लिए किया जाना था जो क्रिकेट के इस खेल को अपना धर्म और इन क्रिकेटर्स को अपना भगवान मानते थे। आगे हुई पूछताछ में पता चलता है कि सौतिया के लिए क्रिकेट मैच फिक्स करने वाला ये पंटर घोड़ों की रेस भी फिक्स किया करता था, और इसका वाकई सुपारी धंधे से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन डीसीपी मारिया जानते थे कि सौतिया का ये करीबी गुर्गा इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है, इसीलिए वो उसे अपना खबरी बनाने का निर्णय करते हैं। जिसका मतलब ये था कि अब इस फिक्सर को एक्सपोज नहीं किया जा सकता था, उसके गैंग को ये कभी पता नहीं चल सकता था कि उसने क्राइम ब्रांच से बात की है। मतलब अब उसको जीवित रखने की जिम्मेदारी खुद डीसीपी मारिया के कंधों पर थी। डीसीपी मारिया की स्ट्रेटजी जल्द ही रंग लाती है, और इस फिक्सर से मिली जानकारी के आधार पर उनकी टीम अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम देती है, ऑपरेशंस जिनमें मुंबई माफिया के कई नामी गैंगस्टर्स का सफाया किया जाता है। क्राइम ब्रांच में 2 साल 7 महीने बिताने के बाद 12 जुलाई 1996 के दिन राकेश मारिया को डीजीपी महाराष्ट्र के ऑफिस में एआईजी की पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैच फिक्सिंग के बारे में पता चलने के बाद से ही मारिया का मन पूरी तरह क्रिकेट से उठ चुका था। अब ना ही उनका मैच देखने का मन करता था और ना ही इंडिया के लिए जीत की कामना करने का। एक आईपीएस ऑफिसर होने की वजह से उनके लिए पवेलियन टिकट्स हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब उनके अंदर स्टेडियम जा लाइव मैच देखने की कोई इच्छा नहीं रह गई थी, और इसीलिए जब उन्हें पता चलता है कि टाइटन कप का फाइनल मुंबई में होने वाला है तो उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। टाइटन कप एक त्रिकोणीय ओडीआई टूर्नामेंट था जिसे 17 अक्टूबर और 6 नवंबर 1996 के बीच भारत में खेला जाना था। इस कप में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत हिस्सा ले रहे थे, और साउथ अफ्रीका को इस कप का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। साउथ अफ्रीका ने अभी कुछ दिन पहले हुआ पेप्सी शारजा कप जीता हुआ था, और 96 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 6 में से 5 मैच जीते थे। क्रिकेट पंडित्स के अनुसार टाइटन कप का रनर अप ऑस्ट्रेलिया होने वाला था, और बात जहां तक भारत की थी तो भारतीय टीम ने 1996 में अभी तक एक भी ओडीआई सीरीज अपने नाम नहीं की थी। अपनी टीम की फॉर्म को देखते हुए भारतीय फैंस को अपने खिलाड़ियों से कोई खास आशाएं नहीं थी। टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और सबकी अपेक्षा अनुसार साउथ अफ्रीका एक के बाद एक बहुत ही आसानी से अपने सारे राउंड मैचेस जीतने लगता है। ये त्रिकोणीय सीरीज अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही थी कि एक दिन अचानक राकेश मारिया के पास उनके खबरी का फोन आता है, और ये कोई ऐसा वैसा सड़क चलता टपोरी टाइप खबरी नहीं था, बल्कि डांस बार में काम करने वाली एक अत्यंत सुंदर लड़की थी। नेहरूनिसा नामक इस हाई प्रोफाइल बार बाला ने 2 साल पहले हुए सुनीत खटाऊ मर्डर केस को क्रैक करने में राकेश मारिया की काफी मदद की थी। कैसे हो साहब, अखबार में आपकी फोटो देखी, बहुत थके हुए लग रहे थे। इतना काम क्यों करते हो साहब, बोलो तो आपको एंटरटेन करने आ जाऊं। खुदा कसम आपको जन्नत की सैर करा दूंगी, बहुत अच्छा फील करोगे साहब। इधर मेहरूनिसा ऐसी बातें करती और उधर राकेश मारिया का मुंह शर्म से लाल हो जाता था। मेहरूनिसा प्लीज तुम मेरी टेंशन मत लो, और अगर मेरे लिए कुछ करना ही है तो मुझे खबर दो। खबर, काम की खबर हुई तो मेरी सारी थकान अपने आप उतर जाएगी। जब भी मेहरूनिसा की कॉल आती राकेश मारिया उसकी बात छेड़ अपनी पत्नी प्रीति को जरूर चिढ़ाया करते थे।
राकेश अपनी इस गन को जरा और ज्यादा संभाल के रखा करो, वरना पहली बार एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी के हाथों किसी का एनकाउंटर हो जाएगा। मेहरुनिसा की ये बातें सुन प्रीति ये कहती और फिर अपने पति के साथ जोर जोर से हंसने लगती। अब टाइटन कप के फाइनल से कुछ दिन पहले एक बार फिर मेहरुनिसा ने राकेश मारिया को फोन किया था और थोड़ी देर तक अपने अंदाज में उन्हें तंग करने के बाद वो उनसे कहती है, साहब ये जो टाइटन कप का फाइनल होने वाला है ना, इसमें इंडिया के ऊपर बैट लगा देना, ये मैच इंडिया ही जीतने वाला है साहब। असल में साउथ अफ्रीकन टीम का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मेहरुनिसा पर पूरी तरह लट्टू हो चुका था। साउथ अफ्रीका का स्टार खिलाड़ी हफ्ते में कई रातें उसके साथ एक फाइव स्टार होटल के कमरे में बिता रहा था और टाइटन कप का फाइनल फिक्स होने की ये बात मेहरुनिसा ने खुद इस खिलाड़ी के मुंह से सुनी थी। दोपहर के लगभग 2:30 बजे खचाखच भरे वानखेड़े स्टेडियम में टाइटन कप का फाइनल शुरू हो जाता है। भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरता है और 50 ओवर्स में 7 विकेट खोकर मात्र 220 रन ही बना पाता है। साउथ अफ्रीका की करंट फॉर्म को देखते हुए कमेंटेटर्स इस मैच का नतीजा पहले ही घोषित कर देते हैं। लेकिन एक कमजोर टोटल को चेस करने उतरी सितारों से जड़ी साउथ अफ्रीका की टीम तो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। सैतालीस दशमलव दो ओवर्स में 185 रन बनाने के बाद साउथ अफ्रीका के सारे खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके होते हैं। उधर अपने दोनों मैच पास अपने एक सीनियर को दे चुके राकेश मारिया को जब इस नतीजे का पता चलता है तो इस बार उन्हें जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि नतीजा क्या होने वाला है ये तो वो पहले से ही जानते थे। लेकिन एक बात जो वो नहीं जानते थे वो ये कि मैच फिक्सिंग की ये सारी जानकारी आगे चल के उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाली है। भारतीय टीम को टाइटन कप जीते 4 साल हो चुके थे। देश में उपभोक्तावाद का आगमन हो चुका था। भारतीय मिडिल क्लास के बटवे पर अपनी नजरें गड़ाए दुनिया की हर बड़ी कंपनी या तो भारत में आ चुकी थी या फिर आना चाहती थी। मतलब ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज दोनों ही तेज रफ्तार से बदल रहे थे। तेजी से आ रहे इस बदलाव के बीच भारतीय क्रिकेटर्स दोनों हाथ से पैसा बटोर रहे थे। तो नहीं क्रिकेट सिली गेम, एक छोटी सी गेम और उसके पीछे 22 दीवाने और उनके पीछे 22 लाख एक्सपर्ट। हाय मिस्टर जाडेजा। और बात जहां तक राकेश मारिया की थी तो उन्हें मुंबई का कमिश्नर ऑफ पुलिस रेलवेज बना दिया गया था। इसी दौरान अनिरुद्ध बहल नामक एक युवा पत्रकार बैटिंग और फिक्सिंग को समझने के लिए उनसे मिलने का आग्रह करता है। तहलका मैगजीन के लिए लिखने वाला यह अति महत्वाकांक्षी पत्रकार कई बड़े लोगों से मारिया तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो इस मीटिंग के लिए तैयार नहीं हो रहे थे कि तभी एक दिन उनके पास भारत के लिए खेल चुके एक दिग्गज बैट्समैन की कॉल आती है। राकेश यार, मेरे कहने पर एक बार उससे मिल लो, वो एक युवा कर्मठ पत्रकार है और तुमसे स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड बात करेगा, तुम्हारी कहीं एक भी बात छापी नहीं जाएगी। इस रिटायर्ड खिलाड़ी का कद इतना बड़ा था कि मारिया चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकते थे और इसीलिए वो अनिरुद्ध बहल नामक उस पत्रकार से मिलने को तैयार हो जाते हैं। फरवरी 2000 की एक सुहानी दोपहर अनिरुद्ध बहल नाम का एक पत्रकार मारिया से मिलने बाइकला स्थित उनके ऑफिस पहुंच जाता है। मारिया पहले से ही अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके सामने आने जाने वालों के लिए 3 कुर्सियां रखी हुई थी। अनिरुद्ध सीधे हाथ पर सबसे कोने वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और अपना ब्रीफकेस बीच वाली कुर्सी के ऊपर रख देता है। ये चीज मारिया को बहुत ज्यादा अटपटी लगती है। सामान्यतः लोग अपना बैग या ब्रीफकेस नीचे जमीन पर अपने पैरों के पास रखते हैं, खासतौर पर जब वो एक पुलिस कमिश्नर सामने बैठे हो।
यही सोच रहे राकेश मारिया के मन में एक खटास सी आ जाती है, लेकिन फिर भी उस वरिष्ठ क्रिकेटर का मान रखने के लिए वो इस बात को इग्नोर करते हैं और इस पत्रकार के साथ बातचीत करने में लग जाते हैं। लगभग 4 महीने बाद मई की एक शाम राकेश मारिया अपने ऑफिस में बैठे हुए थे कि उनके पास उनकी पत्नी प्रीति का फोन आता है। राकेश, आपने क्रिकेट के ऊपर किसी टीवी चैनल को कोई इंटरव्यू दिया है क्या? क्या, कैसा इंटरव्यू? अरे कौन सा इंटरव्यू, कहाँ आ रहा है? ये कहते हुए मारिया जैसे ही अपने ऑफिस का टीवी ऑन करते हैं उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो इस देश के पहले ऐसे पुलिस ऑफिसर बन चुके थे जिसके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। एक पुलिस ऑफिसर जिसका काम अपराधियों को स्टिंग करना था, खुद उसके साथ स्टिंग हो चुका था और वो भी एक नौसिखिए पत्रकार के हाथों। अनिरुद्ध बहल के साथ हुई ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में जब मारिया से पूछा गया कि फिक्सिंग का पता चलने के बाद भी उन्होंने कोई ऑफिशियल एक्शन क्यों नहीं लिया, तो वो ये कहते नजर आए कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है और इसीलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या यही सच्चाई थी? क्या वास्तव में यही वो कारण था जिसके चलते मारिया ने उन 3 खिलाड़ियों के खिलाफ कोई ऑफिशियल एक्शन नहीं लिया था? क्या वाकई एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक क्रिकेटर हावी हो गया था, या फिर जबरदस्ती करनी पड़ रही इस मुलाकात में पूछे जा रहे इन जबरदस्ती के सवालों पर वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और इसलिए ये सब बोल रहे थे? आखिर वो असली कारण क्या था जिसके चलते फिक्सिंग की जानकारी मिलने के बाद भी मारिया ने कोई एक्शन नहीं लिया था? इसको समझने के लिए हमें 4 साल पीछे 1996 में जाना पड़ेगा। '96 का वर्ल्ड कप हम सबको याद है, खास तौर पर 2 घटनाओं के लिए, एक जिसे याद कर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। Arguing with the bowler or telling him what he's doing. Well, that's the answer. That's the best way you can answer a batsman. Venkatesh Prasad has clean bowled Amit Sohail. और दूसरी घटना वो जो आज भी हमें उदास और शर्मिंदा कर देती है। And all the hopes and dreams of the Indian people have all gone up in smoke. And unfortunately, they can't take it. Well, what a sensation this is. Clive Lloyd taking absolutely no chances. And I've got to say, that where there's a bit of a risk, situations like this, then I don't think that he had any option whatsoever. The Indians are out there complaining. Campbell's complaining. The behavior of the crowd. It's been a long time since a match has been abandoned, and you can literally see the tears in the eyes of Vinod Kambli. He knew that he was only a step away from a World Cup final, but he'll have to live another day. इंडिया और श्रीलंका के बीच हुए सेमीफाइनल में 2 चीजें ऐसी हुई थी जो आज भी लोगों की समझ से बाहर हैं। पहला टॉस जीतने के बाद अजहरुद्दीन का फील्डिंग करने का फैसला और दूसरा स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार। इस मैच के साथ भारत का वर्ल्ड कप का सफर और मनोज प्रभाकर का करियर दोनों ही खत्म हो चुके थे, लेकिन प्रभाकर को लग रहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो जाते जाते एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले थे। आउटलुक मैगजीन के जून 1997 के एक एडिशन में मनोज प्रभाकर बिना नाम लिए खिलाड़ी के ऊपर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाते हैं।
मैच फिक्सिंग का एक अलंकित शब्द जिसे राकेश मारिया 3 साल पहले सुन चुके थे, आज उसे पूरा देश सुन रहा था और चारों तरफ एक भूचाल सा बरपा गया था। प्रभाकर के इन आरोपों से बुरी तरह बौखला चुकी BCCI आनन फानन में एक वन मैन इन्वेस्टिगेशन कमीशन की घोषणा कर देती है। कमीशन जिसे हेड करने का जिम्मा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ को सौंपा जाता है। सात जुलाई से ऑनरेबल चंद्रचूड़ अपनी जांच शुरू कर देते हैं और मनोज प्रभाकर, कपिल देव और आउटलुक मैगजीन के कृष्णा प्रसाद समेत कई बड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। इन बड़े लोगों में एक नाम राकेश मारिया का भी था। तहलका के स्टिंग ऑपरेशन से अच्छी तरह अवगत जस्टिस चंद्रचूड़ भी ये जानना चाहते थे कि आखिर 1994 में राकेश मारिया ने उन खिलाड़ियों और बुकीज के खिलाफ कोई केस दर्ज क्यों नहीं किया था। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो काफी देर तक चुप रहने के बाद मारिया अपना उत्तर देना शुरू करते हैं। योर ऑनर, ये वो टाइम था जब अंडरवर्ल्ड रोज मुंबई की सड़कों पर खून की होली खेल रहा था। जाने माने सेलिब्रिटीज और व्यापारियों को रोज धमकियां दी जाती थी, दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती थीं। उस समय हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ था, अंडरवर्ल्ड के ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना। योर ऑनर, हमारी सबसे पहली और आखिरी प्राथमिकता अंडरवर्ल्ड और आतंकियों से अपने नागरिकों की जान बचाना थी। पर अगर मैं उन 3 खिलाड़ियों के ऊपर केस दर्ज करता भी तो किस एक्ट के तहत करता? द प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887 का एक ऐसा कानून जिसके तहत आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई है। योर ऑनर, उस केस को फॉलो करना मेरे टाइम और एनर्जी दोनों की ही बर्बादी होती। ऐसा करने की जगह मैंने अपना वही टाइम और एनर्जी उस फिक्सर को अपना खबरी बनाने में लगाई और उसकी सहायता से अंडरवर्ल्ड के कई नामी गैंगस्टर्स का सफाया किया, और मुझे अपने इस निर्णय पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। तहलका द्वारा फिक्सिंग के ऊपर किए गए स्टिंग के 13 साल बाद राकेश मारिया महाराष्ट्र ATS में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे। उनका काम राज्य में आतंकवाद, संगठित अपराध, जाली करेंसी, गैर कानूनी हथियार और नारकोटिक्स के ऊपर लगाम कसना था। इसी दौरान मई 2013 के पहले हफ्ते में राकेश मारिया को अपने एक सोर्स से इंटेलिजेंस मिलती है जिसके अनुसार एक संदिग्ध नंबर से दिन में कई बार पाकिस्तान कॉल्स की जा रही थी। इस इंटेलिजेंस के आधार पर राकेश मारिया तुरंत एक टीम का गठन कर देते हैं जिसमें ATS के 3 सबसे कर्मठ और चालाक ऑफिसर शामिल थे। जरूरी वारंट्स और परमिशंस लेने के बाद ये टीम इस नंबर को मॉनिटर करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों की सर्वेलेंस के बाद जो जानकारी ATS के हाथ लगती है उसका आतंकवाद से तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्रिकेट से जरूर था। लगभग 20 साल पहले क्राइम ब्रांच के DCP मारिया ने अपने जीवन में पहली बार मैच फिक्सिंग का शब्द सुना था और आज 2013 में ATS के ADG मारिया अपने जीवन में पहली बार स्पॉट फिक्सिंग का शब्द सुन रहे थे। इंडियन प्रीमियर लीग का 2013 एडिशन पूरे जोर शोर के साथ चल रहा था और ये नंबर जिससे बार बार पाकिस्तान कॉल्स की जा रही थी अंपायर असद रौफ का था। पाकिस्तान की जाने वाली इन कॉल्स में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन असद रौफ और विंदु दारा सिंह के बीच होने वाली बातचीत ATS के होश फाकता कर देती है। रुस्तम ए हिंद दारा सिंह का इकलौता बेटा इस पाकिस्तानी अंपायर से IPL मैचेस के ऊपर इन्फॉर्मेशन ले रहा था, इन्फॉर्मेशन जिसकी मदद से बैटिंग कर खूब पैसा बनाया जा सकता था। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के गुरुनाथ मैयप्पन भी असद रौफ और विंदु के साथ लगातार संपर्क में थे, और मोती सन्स ज्वेलर्स के मालिक संजय जयपुर, पवन जयपुर और छाबड़ा ब्रदर्स जैसे धनवान व्यापारी भी बेईमानी और लालच के इस नेटवर्क का हिस्सा बने हुए थे। इस बार मारिया ATS में थे और बैटिंग उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती थी। मारिया के ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि अगर इस बैटिंग का आतंकवाद या ड्रग्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो वो चाहकर भी इस गोरख धंधे का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस बार मारिया चुप नहीं बैठना चाहते थे। इस बारे में आगे क्या करना है मारिया अभी ये सोच ही रहे थे कि तभी एक दिन अचानक दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई आ धमकती है और 16 मई 2013 के दिन पूरे देश को चौंकाते हुए राजस्थान रॉयल्स के स्टार खिलाड़ी एस श्री संत को गिरफ्तार कर लेती है।
श्रीशांत के साथ उसके दो और टीम मेंबर्स अंकित चौहान और अजीत चंदीला को भी फ्रॉड, चीटिंग और आपराधिक षड्यंत्र रचने के चार्जेस में अरेस्ट करके दिल्ली ले जाया जाता है। श्रीशांत की गिरफ्तारी से राजस्थान रॉयल्स ही नहीं बल्कि पूरे देश के फैंस सकते में आ चुके थे। मीडिया पर सर्कस शुरू हो चुकी थी और इसी सर्कस के बीच अगले दिन दोपहर को मारिया के पास महाराष्ट्र के गृह मंत्री आरआर पाटिल की कॉल आती है। मंत्री जी ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक मीटिंग बुलाई थी और वो चाहते थे कि एटीएस की तरफ से राकेश मारिया भी इस मीटिंग में जरूर आएं। मारिया तुरंत सह्याद्री गेस्ट हाउस के लिए निकल जाते हैं और जब मीटिंग शुरू होती है तो गुस्से से बौखलाए हुए आरआर पाटिल क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर हिमांशु रॉय के ऊपर सवालों की बरसात कर डालते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली पुलिस हमारे घर के अंदर घुस के इतनी बड़ी गिरफ्तारियां कर ले और हमारे पास इसकी कोई इंटेलिजेंस ना हो? अपने गृह मंत्री को शांत करने की कोशिश में हिमांशु रॉय अभी सफाई देना शुरू ही करते हैं कि तभी राकेश मारिया का नंबर आ जाता है। काय मारिया साहब, आपके पास भी कोई जानकारी नहीं है? आरआर पाटिल का यह प्रश्न एक रिटोरिकल क्वेश्चन यानी के अलंकारिक प्रश्न था। मतलब वो मारिया से किसी उत्तर की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वो जानते थे कि जब क्राइम ब्रांच के पास इस मामले के ऊपर कोई जानकारी नहीं है तो एटीएस के पास कहां से होगी। लेकिन पाटिल समेत इस कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंकाते हुए राकेश मारिया कहते हैं, सर हमने असद रौफ की कॉल्स टैप की हैं और स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर हमारे पास अच्छी खासी जानकारी है। मारिया के मुंह से ये सुनते ही आरआर पाटिल की बांछें खिल जाती हैं और वो उनसे तुरंत सारी टेप्स हिमांशु रॉय को देने के लिए कहते हैं। अगले दिन राकेश मारिया एटीएस के एडिशनल कमिश्नर अमितेश कुमार को वो टेप्स ले क्राइम ब्रांच के ऑफिस भेज देते हैं और इसके अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर को एक चिट्ठी लिख आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने को भी कहते हैं। दूध के जले मारिया अब छाछ भी फूंक मार मार कर पी रहे थे। वो अपनी उस 20 साल पुरानी गलती को एक बार फिर से नहीं दोहराना चाहते थे। एटीएस से मिली टेप्स को आधार बनाते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच 21 मई के दिन विंदु दारा सिंह और 3 दिन बाद गुरुनाथ मैयप्पन को अरेस्ट कर लेती है। संजय और पवन जयपुर और छाबड़ा बंधु कोर्ट से अंतरिम जमानत ले दुबई भाग जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद भारत वापस आते ही एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मुंबई और दिल्ली पुलिस की इस कार्यवाही के चलते स्पॉट फिक्सिंग की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुदगल कमेटी का गठन कर दिया जाता है। इस कमेटी की फाइंडिंग्स के आधार पर राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल से बैन कर दिया जाता है और पाकिस्तान वापस भाग चुके असद रौफ को आईसीसी अंपायर्स के अपने एलीट पैनल से बाहर का रास्ता दिखा देती है। इस कमेटी की जांच में ये भी सामने आता है कि कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इंग्लैंड के बुकी मजहर मजीद के साथ लगातार संपर्क में थे और पिछले कई सालों से पैसों के बदले अंतर्राष्ट्रीय मैचेस फिक्स करते आ रहे थे। क्रिकेट का एक खेल इस देश में मात्र एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म है, वो भी सबसे बड़ा धर्म। जब भी भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। सुख की जो अनुभूति हमें अपनी क्रिकेट टीम की जीत में होती है वो शायद किसी और चीज में नहीं होती। ना जाने क्यों लेकिन एक क्रिकेटर की उपलब्धि में हमें अपनी खुद की व्यक्तिगत उपलब्धि महसूस होती है। शायद यही कारण है कि 1990 से लेकर आज तक मैच फिक्सिंग के ऊपर अनेकों खुलासे हुए, कई क्रिकेटर्स पकड़े गए और कुछ को तो जेल तक जाना पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद भी क्रिकेट देखने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। जेंटलमैन्स गेम खेलने वाले इन खिलाड़ियों ने चंद पैसों के लिए बार बार अपने करोड़ों फैंस के विश्वास को लालच तले रौंदा। जिन दीवानों ने इन्हें अपनी पलकों पर बिठाया उन्हीं दीवानों की भावनाओं के साथ इन खिलाड़ियों ने बार बार खिलवाड़ किया, लेकिन फिर भी इन दीवानों की दीवानगी में कोई कमी नहीं आई।